हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में इंग्लिश में हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। आप सोचोगे कि कोई भी वेस्ट चीज वंडरफुल कैसे हो सकती है, तो आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, वंडरफुल वेस्ट। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो बच्चों, यहाँ पे साउथ की बात की गई है। साउथ में ट्रेवेनकोर नाम की एक जगह है, वहां के जो महाराजा जी थे उन्होंने अपने पैलेस यानी कि महल में ग्रैंड यानी बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया, यानी कि एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। रात्रि के भोजन से पहले दोपहर के समय महाराजा जी अपने रसोई घर में देखने के लिए आते हैं कि रात्रि के भोजन के लिए, दावत के लिए, फिस्ट यानी कि दावत, और सर्वे करना यानी किसी चीज को एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, यानी राजा जी अपने किचन में आके देखते हैं कि जो कुक था वो रात्रि के भोजन के लिए कौन कौन से डिशेस बना रहा था। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स, He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. यानी जब महाराजा जी किचन में आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो कुक था उसने एक बास्केट के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल के टुकड़े, स्क्रैप्स यानी कि टुकड़े रखे हुए थे। तो महाराजा जी की नजर वहां पे जाती है और वो इशारा करके कुक से पूछते हैं कि ये इतने सारे वेजिटेबल के टुकड़े का तुम क्या करोगे। The cook replied, "They are waste. We will throw them away." जो कुक होता है, रसोया होता है, वो राजा जी को आंसर देता है कि ये तो वेस्ट मटेरियल है, हम उसे बाद में फेंक देंगे। ऐसे करके कुक राजा को बताता है, You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. राजा जी को ये वेजिटेबल के टुकड़े को फेंकने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करते हैं, कुक को बताते हैं कि इतने सारे वेजिटेबल के टुकड़े को फेंकना नहीं है, तुम कुछ ना कुछ तरीका निकालो और ये वेजिटेबल के टुकड़े को इस्तेमाल कर लो। ऐसे करके राजा जी कुक को बताते हैं। The महाराजा commanded sternly and walked away. यानी महाराजा जी ने ऐसे कमांड दिया कुक को, कमांड देना यानी ऑर्डर देना, sternly means strictly, राजा जी ने जो कुक था उनको कमांड दिया और कहा कि इतने सारे वेजिटेबल को तुम्हें फेंकना नहीं है, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना है। ऐसे स्ट्रिक्टली वार्निंग देके वहां से चले गए। जैसे बच्चों, आप भी कभी आपका होमवर्क नहीं करते हो तो आपकी मैडम भी आपको डांटती है और बताती है कि आगे से आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्रिक्टली वार्निंग देती है। वैसे ये महाराजा जी ने भी कुक को स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया और वहां से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अभी कुक तो मुसीबत में पड़ गया। In a fix मतलब कि किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाना जिसमें से निकलना मुश्किल हो, यानी राजा जी ने strictly उनको warning दिया कि जो वेजिटेबल के टुकड़े थे उनका इस्तेमाल करना है, तो कुक मुसीबत में पड़ गया। कुक सोच रहा होता है कि अभी ये वेजिटेबल के टुकड़े का मैं क्या करूं, तो उन्होंने क्या क्या, थोड़ी देर तो जो वेजिटेबल के टुकड़े बास्केट के अंदर रखे थे उनको घूर घूर के देखने लगा। स्टेरिंग मतलब घूर घूर के देखना। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से कुक के माइंड में एक आइडिया आती है। फ्लैश यानी कि जैसे बिजली चमकती है, वैसे कुक के माइंड में भी एक आइडिया आती है। He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. जो कुक था उसने क्या किया, जो वेजिटेबल के टुकड़े रखे थे उसको अच्छे से पानी से क्लीन कर दिया। Then he cut them into long strips. और उसकी लंबी लंबी पतली पतली पट्टियां काट ली। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा मटका लिया, जिसमें आपने बच्चों देखा होगा कोई बड़ा सा मटका रहता है उसमें खाना पकाया जाता है, तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा मटका लिया और उसमें ये सारी जो वेजिटेबल के टुकड़े थे वो पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट He ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उन्होंने क्या लिया, एक कोकोनट लिया, नारियल लिया फ्रेश, और ग्रीन चिलीज ली, हरी मिर्चियां ली, और लहसुन का पेस्ट तैयार किया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उन्होंने क्या किया, जो बड़ा सा मटका रखा था उसमें थोड़ा सा नमक डाला और उसमें ये पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot.
टेम्पटिंग का मतलब होता है बड़ी ही लाजवाब, अपनी ओर आकर्षित करने वाली खुशबू। यानी थोड़ी ही देर में जो कुक ने वेजिटेबल पकाने के लिए रखा था उसमें बड़ी सी लाजवाब खुशबू आने लगी। नाउ ही व्हिप सम कर्ड एंड एडेड इन टू द करी। थोड़ा सा कुक ने दही लिया, उसको फेटा और वो करी बनाने के लिए सब्जी के अंदर डाल दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑइल एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। कुक ने क्या किया, थोड़ा सा खाने में कोकोनट ऑयल डाला। तो बच्चों जो साउथ इंडियंस लोग रहते हैं वो अपने खाने में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कुक था उसने भी क्या किया, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला खाने में और करी पत्तों के साथ जो डिश थी उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बिहोल्ड कब बोलते हैं बच्चों, जब हम किसी चीज को सरप्राइजली देखते हैं तब हम ये बोलते हैं लो एंड बिहोल्ड। यहाँ पे कुक बोलता है कि अरे मेरी अच्छी से डिश बन गई, कुक ने अच्छी से नई डिश तैयार कर दी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। यानी रात्रि के भोजन के लिए सब मेहमान आए, तब कुक ने क्या किया, वो नई डिश जो बनाई थी वो सबको परोसा। Everyone was eager to know the name of the new dish. सबको ये new dish बहुत अच्छी लगी, इसीलिए सब लोग जानने के लिए बड़े ही आतुर थे कि ये जो कुक ने नई डिश बनाई उसका नाम क्या है। सब लोग कुक को पूछने लगे कि ये डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. अभी कुक को भी ये डिश का नाम नहीं पता था, क्योंकि ये जो डिश थी वो बच्चों कैसे बन गई थी, एक्सीडेंटली बन गई थी। जो वेजिटेबल के टुकड़े कुक फेंकने वाला था उसमें से उसने ये डिश बनाई थी, इसीलिए कुक को भी उसका नाम नहीं पता था। इसीलिए सब लोग कुक को पूछ रहे थे कि ये डिश का नाम क्या है। तो कुक ने बहुत सोचा और उसके बाद उसके माइंड में एक नेम याद आता है और वो बताता है कि उसका नाम क्या है, अवियल है। Avial become famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. Avial dish सबको इतनी पसंद आई कि वो आज केरला की traditional feast बन गई। Traditional feast यानी कि जिसको हमारी दादी ने भी बनाया हो, हमारी मम्मी ने भी बनाया हो और हमने भी try किया हो, कोई भी occasion हो, कोई भी function हो, वहाँ पे ये dish बनता ही है। Traditional feast यानी कि जो परंपरागत रूप से हमारे घर में बनती आ रही हो वो डिश को हम ट्रेडिशनल फीस्ट बोलेंगे। तो ये केरला की ट्रेडिशनल फीस्ट बन गई और आज भी केरला में ये डिश बनाई जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और बच्चों आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कहाँ से आई है, वो बास्केट में से जो वेस्ट मटेरियल कुक फेंकने वाला था उसमें से उसने ये डिश बनाई और वो आज केरला की ट्रेडिशनल डिश बन गई। तो बच्चों इसके न्यू वर्ड्स हम देख लेते हैं। In a fix means a situation hard to escape from. किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाना जिसमें से निकलना मुश्किल हो। Flash across the mind. Suddenly think of. अचानक से माइंड में कुछ याद आना। Lo and behold means look what a surprise. किसी चीज को surprisingly देखना। Traditional feast means hardly meal for many guests served on a special occasion. स्पेशल ओकेजन में ये डिश बनाई जाती है, वो परंपरागत रूप से बनती आ रही डिश को हम बोलेंगे ट्रेडिशनल फिश। जो आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।